एवरी वन आज हम रेल रे बार्टन की बुक जो हमारी चल रही है उसमें चैप्टर नंबर थ्री और फोर करने जा रहे हैं सो so, आप बने रहें हमारे साथ चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले आता है द फ्रेज एंड द क्लोज फ्रेज क्या होता है और क्लोज़ क्या होता है

नहीं दे रहे हैं तो इस तरह का जो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का उसको हम फ्रेज बोलते हैं नेक्स्ट देखते हैं देखो ये सेंटेंस पढ़ते हैं द सन राइज इन ईस्ट इन ईस्ट ये एक ग्रुप है वर्ड्स का लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है ठीक है इसी तरह के जो ग्रुप है वर्ड्स का उसको फ्रेज बोलते हैं हम टी टपटी सेट ऑन ए वॉल ऑन ए वॉल क्या है फ्रेज नेक्स्ट देयर कैन देयर केम ए गेंट टू माई डोर टू माई डोर क्या है फ्रेज इट वॉज़ ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी ब्यूटी ये क्या है फ्रेज द टॉप्स ऑफ द माउंटेंस वर कवर्ड विद स्नो ऑफ द माउंटेन्स नेक्स्ट शो मी हाउ टू डू इट हाउ टू डू इट क्या है फ्रेज अब जरा आप आगे देखेंगे पॉइंट नंबर सेवन एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही हैड ए चेन ऑफ गोल्ड ऑफ गोल्ड इसमें क्या है फ्रेज हो जाता है नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे ही हैज ए चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड डियर फ्रेंड्स ये जो दूसरा ग्रुप दे आप देख रहे हैं ये क्लोज होगा बिकॉज इसमें एक सब्जेक्ट है जो क्लोज होता है उसमें अपना एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे वो क्लोज कहलाता है देख रहे होंगे डिफ्रेंड्स नेक्स्ट पर आते हैं वी रिकोगनाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज ए फ्रेज द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड आई लाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेंस ए सब्जेक्ट विच जिसमें जैसे मैंने आपको भी बताया है कि जो ये दूसरा आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दूसरे वाले में इसमें एक सब्जेक्ट है विच विच इसका सब्जेक्ट होगा इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एंड ए प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड ये पूरी सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं सो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होंगे वो फ्रेज कहलाएगा और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता है जैसे ऑफ द माउंटेन वो या ऑफ गोल्ड वो फ्रेज कहलाएगा नेक्स्ट पर चलते हैं सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेंट्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट एज ए क्लोज जैसे कि मैंने आपको भी बताया जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होगा वो क्लोज कहलाएगा नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देखते हैं क्लोज के एग्जाम्पल्स है ये इन द फॉलोइंग सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर क्लोजेज पीपल हु पे देयर डेप्ट आर टूटीज मीन्स ये क्या है हु पे देयर डेप्स ये एक एडजेक्टिव क्लोज है ठीक है पीपल के बारे में बता रही है इसमें एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना दोनों ले लेकर चलती है क्या क्लोज वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रनिंग ये भी क्या है एक क्लोज है क्लोज का एग्जाम्पल है नेक्स्ट देखते हैं आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक ये भी क्या है एक क्लोज बिकॉज इसमें ब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं कम ऑन द नेक्स्ट चैप्टर नंबर फोर पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स आर डिवाइड इन टू डिफरेंट काइंड क्लासेज कोल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू देयर यूज दैट इज अकोर्डिंग दैट इज अकोर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस द पार्ट ऑफ स्पीच आर एट इन नंबर तो जो जो इनका काम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का उसी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया हुआ है ठीक है ये एट होते हैं नंबर क्या क्या होते हैं नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजक्शन अब नाउन को देखते हैं सबसे पहले ये एक शॉर्ट रिव्यू दिया हुआ है वैसे तो आपको पता ही है सभी में इनमें बहुत ही बड़ा बड़ा अपने आप ही आपस में हो जाता है आगे नाउन भी बहुत बड़ा है लेकिन इसमें एक शॉर्ट तरीके से बताया हुआ है ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग लाइक इसके एग्जाम्पल देखते हैं वाज ए ग्रेट किंग नाउन क्या होगा अकबर एंड किंग भी है कोलकाता इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इसमें भी आप समझ सकते हैं जो नाम है नाउन है द रोज स्मेल्स स्वीट नेक्स्ट द सन साइंस ब्राइट द सन साइंस ब्राइट द सन साइनस इसमें क्या होगा नाउंड नेक्स्ट है हिज करेज वाज विम ऑनर ऑनर क्या होगा और करेज भी क्या होगा इसमें नाउन एक्चुअली फ्रेंड्स ये एब्सैक्ट नाउन है आके देख लेते हैं इसके बारे में द वर्ड थिंग थिंग जो हमें यहाँ दिया हुआ है ना थिंग थिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है All objects that we can see, hear, taste, touch or smell. ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम सी कर सकते हैं हीयर टेस्ट टच और स्मेल कर सकते हैं एंड वो इसमें आएगा थिंग में एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ जो हम सोचते हैं जैसे हम क्या कर रहे हैं अगर हम सैड है ठीक है इस तरह की चीज़ें अगर हम खुश है वो जो हम सोच रहे हैं हम हमारे मन जो है हमारा मन जैसा है बट कैन नोट परसीव बाई सेंस लेकिन हम उसको छू नहीं सकते ठीक है तो ऐसे चीज़ें थिंग में इंक्लूड की गई है वैसे तो आगे इसमें काइंट्स आएगी उसमें आगे समझा दिया जाएगा आपको ये अभी शॉर्ट रिव्यू है तो उसी हिसाब से हम चलेंगे नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट टेन एंड एडजेक्टिव एडजेक्ट के बारे में बताया है जो इसका दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू एड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउ जो नाउन के मीनिंग को और अच्छी तरह से बताने के लिए ही ना जैसे बॉय है बॉय कैसा है ब्रेव है बॉय क्या है ब्रेव है या ब्यूटीफुल हैंडसम है गर्ल है हैंडसम गर्ल ब्यूटीफुल है ठीक है इस तरह की चीज़ें तो जो नाउन के बारे में और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करे ऐड ऐड करके कुछ और अच्छी तरह से नाउन के बारे में बताए उसी को क्या कहते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं ए प्रोनाउन ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टिड ऑफ़ ए नाउन इंस्टिड ऑफ ए नाउन यानी कि नाउन के स्थान पर जो प्रयोग हो सकता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं जैसे जोन इज़ एबसेंट बिकॉज ही इज़ स्टिल तो यहाँ भी हम जोन के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ भी हम जोन के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ हमने जोन के लिए ही लगाया है तो इस ही को हम क्या बोलेंगे प्रोनाउन द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट दैम यहाँ हमने बुक्स को बुक्स बोला है एक प्रोनाउन हो गया और यहाँ क्या हो गया दैम एक प्रोनाउन हो गया तो नाउन के लिए जो हमने दूसरा वर्ड यूज़ किया है उसे हम प्रोनाउन बोलेंगे नेक्स्ट वर्ब ए वर्ब इज ए वर्ड ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्सन और स्टेट जो एक्शन और स्टेट यानी कि अवस्था के बारे में बताए एक्सप्रेस करे उसको वर्ब बोलते हैं द गर्ल रोट गर्ल क्या कर रही है रोट जो करना या होना होता है उसी को वर्ब बोलते हैं गर्ल रोट ए लेटर टू हर कज़न कज़न को लेटर लिख रही है तो वो लिखना क्या होगा वर्ब कोलकाता इज़ ए बिग सिटी इसमें कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी ये इज क्या है वर्ब है जो है स्टेट है अवस्था है सो so, इज इसमें वर्ब है वर्ब का काम कर रही है आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स आर क्या हुआ फ्रेंड्स इसमें आर क्या हुआ वर्ब हुआ कम होता नेक्स्ट एन एडवर्ब एडवर्ब के बारे में देखते हैं एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब तो ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बताएगा एडजेक्टिव के बारे में बताएगा और अनदर एडवर्ब के बारे में बताएगा उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं डिस्क्राइब करेगा उसके बारे में कुछ और ज़्यादा बताएगा ही वर्क द सम क्विकली क्विकली तो क्विकली क्या होगा एडवर्ब हो गया द सम के बारे में बता रहा है क्विकली नो no, के बारे में नहीं बता रहा है ये वर्कड के बारे में बता ही वर्कड वर्कड हाउ क्विकली कैसे किया वर्क जल्दी किया दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव है यहाँ वेरी क्या हो गया एडवर्ब हो गया नेक्स्ट द सॉरी सी प्रोनाउंस द वर्क क्वाइट करेक्टली हाँ तो यहाँ इस, इसने क्वाइट करेक्टली दोनों ही एडवर्ब है इसमें दोनों ही एडवर्ब है और वर्ड वर्ड के बारे में बता रहे हैं ठीक है प्रोनाउंस के बारे में बता रहे हैं क्वाइट करेक्टली तो ये दोनों ये यहाँ पे क्या कर रहा है एडवर्ब के बारे में ही बता रहा है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं द प्रिपोजिशन ए प्रिपोजिशन ए प्रिपोजिशन इज ए वर्ड ए प्रिपोजिशन इज ए वर्ड यूज विद ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स तो प्रोनाउन का क्या काम होता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताना कि दूसरा पर्सन पर्सन और थिंग कैसे नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन में हैं यानी कि दूसरे का नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन से ठीक है और दूसरी चीज़ों से लाइक देयर इज ए काओ इन द गार्डन तो यहाँ काउ भी है ये भी नाउन है और ये भी नाउन है इन द गार्डन क्या बता रहे इन नेक्स्ट देयर इज ए द गर्ल इज फाउंड फाउंड ऑफ म्यूज़िक किसकी फोंड है म्यूज़िक की ये क्या बता रही है पोजीशन बता रही है एक तरीके से बता रही है म्यूज़िक की तो फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर ए ट्री सेट अंडर ए कहाँ कहाँ खड़ी है सेट अंडर ए सीट बैठी है अंडर ए ट्री ट्री के नीचे ठीक है तो ये चीज़ें ये पोजीशन बताती है ट्री पोजिशन आगे इसको और भी अच्छी तरह से बहुत अच्छा बड़ा चैप्टर है इसमें आगे देखेंगे हम ये तो अभी शॉर्ट रिव्यू है अब आता है कंजक्शन कंजक्शन इज़ ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस एज़ राम एंड हरी दो सेंटेंस को जोड़ने का या दो वर्ड्स को जोड़ने का काम क्या करता है कंजक्शन रामा एंड हरी आर कजन रामा ये दो तो सेंटेंस भी इसके बन सकते हैं जैसे रामा रामा एंड हरी इज ए कंजक्शन सॉरी कजन्स कजन्स टू एंड टू मेक फोर्स दो और दो चार होते हैं आई रन फास्ट बट missed द ट्रेन ठीक है तो दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम क्या करता है कंजक्शन

आगे देखते हैं सम मॉडर्न ग्रामर इंक्लूड्स डिटरमाइनर्स पार्ट्स ऑफ़ डिटर माइनर्स आर वर्ड्स लाइक ए द दिस दैट दिस एवरी ईट एनी माय हिज वन इट सी तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं कुछ मॉडर्न इंग्लिश इसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करती है डिटरमाइनर्स को विच डिटरमाइन लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो इन ठीक है जो नाउन के बारे में बताते हैं इन दिस बुक एज इन मैनी ट्रेडिशनल ग्रामर ओल डिटर माइनर्स एक्सेप्ट एन एंड द आर क्लास्ट अमंग एडजिव लेकिन इस बुक में एन द ए e एंड द के अलावा जो सारे डिटरमाइनर्स हैं उनको एडजेक्टिव की श्रेणी में रखा गया है इस बुक में कम ऑन द पॉइंट नंबर एटीन एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंस इट इज़ क्लियर दैट वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच ए वर्ड बिलोंग्स अनलेस वी सी इट यूज इन ए सेंटेंस सो डियर फ्रेंड्स कि एक वर्ड के कई पार्ट्स हो सकते हैं कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो यूज़ हो सकती है जैसे कि जैसे यहाँ आफ्टर का एग्जाम्पल देखेंगे दे अराइवड सोन आफ्टर तो यहाँ क्या काम कर रहा है ये सोन आफ्टर एटवर्क का काम कर रहा है नेक्स्ट पे आते हैं दे अराइव्ड आफ्टर अस ये पोजीशन बता रहा है सो so यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है क्या आफ्टर नेक्स्ट दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट इसमें ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है सो so ये कंजक्शन का काम कर रहा है ठीक है फ्रेंड्स तो इसी तरह से इस सेंटेंस में नंबर एटीन में बता रखा है कि एक वर्ड कई पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम कर सकता है नेक्स्ट पे आते फ्रॉम द अब एग्जाम्पल वी सी दैट द सेम वर्ड कैन बी यूज एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये आगे एक्सरसाइज आती है फ्रेंड एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी उसमें एक्सरसाइज वन और टू दोनों ही हम कंप्लीट करा देंगे इसके पास बुक है वो आराम से प्रैक्टिस कर सकता है अगर नहीं भी होगी तो मैं इसमें दोनों ही पार्ट्स बुक का भी और आंसर के का भी शो करने वाली हूँ थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू आई थिंक आपको समझ में आएगा जैसा आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ओके okay.